हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि जैकेट का कलर ख़राब हो जाए तो उसको फिर से न्यू जैकेट कैसे बनाएं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले जैकेट का हालत देख सकते हैं कितना ख़राब हो चुका है। जैकेट को पानी में गीला करेंगे अच्छी तरह से। जैकेट को किसी चीज़ पे रखेंगे पानी गड़ने के लिए। गैस ऑन करेंगे, पतीला रखेंगे, 5 लीटर इसमें पानी डालेंगे। लकड़ी का डंडा लेंगे, 50 ग्राम नमक डालेंगे इसमें और 10 मिनट पानी को उबालेंगे। दस मिनट हो चुका है। कदम पक्का रंग इसमें डालेंगे जो कि मैंने लिया है फ्लिपकार्ट से। अगर आप भी लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहां से ले सकते हैं। एक जैकेट में एक पॉकेट कलर डालेंगे। कलर को 10 मिनट के लिए पकने देंगे। दस मिनट हो चुका है। जैकेट को अब कलर में डालेंगे। जैकेट को कलर में अच्छी तरह से डालना है ताकि कलर एक बराबर इस पे आएगा। पैंतालीस मिनट के लिए इसी में इसको पकाना है ताकि कलर एक बराबर इस पे आएगा। अगर टी शर्ट कलर करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। डाइफिक्स डालेंगे जो कि मेरे पास पहले से बचा था, वो यूज करेंगे। डाइफिक्स से यही फायदा होता है कि कपड़ा का कलर फिक्स हो जाता है। जैकेट को उलट पुलट करेंगे फिर से ताकि कलर एक बराबर इस पे आएगा। पैंतालीस मिनट हो चुका है। अब जैकेट को बाहर निकालेंगे। कलर करने के लिए कुछ देर रखेंगे। कलर कर चुका है। अब डाइफिक्स वाला पानी में डालेंगे, उसमें 10 मिनट के लिए रहने देंगे ताकि कलर फिक्स हो जाए बढ़िया से। दस मिनट हो चुका है। अब जैकेट को बाहर निकालेंगे। डाइफिक्स गड़ने के लिए कुछ देर रखेंगे। सूखने के लिए रस्सी पर डालेंगे और सूखने के बाद देखिएगा जैकेट कितना काला हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा।